अस्सलाम वालेकुम मेरे विमान मुद आप सब खरीय से होंगे अच्छा बाय द वे आज का जो सेशन है हमारा आ, ये इसमें सबसे पहले तो हम केसी सी हंड्रेड का व्यू लेंगे अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स के ऊपर और उसमें कहीं पे किसी शेयर में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी तो वो भी आपके साथ जो शेयर करेंगे कोशिश हमारी होगी कि बाई द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको दो या तीन स्टॉक्स ऐसे देखे जाए जिसमें आगे आने वाले टाइम में पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होती हुई नजर आ रही है तो वीडियो आपने पूरी देखनी है और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में तो लाइक करिएगा वीडियो को और आपकी कोई भी क्वेरी अगर रहती है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा तो केसी यूनिट के चार्ट को देखते हैं यहाँ पे फोर आर टाइम फ्रेम हमने खोला हुआ है Uh, इसमें अगर आप देखें तो वी आइडेंटिफाइड सपोर्ट लेवल इनिशियली जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही थी लगभग ये लेवल था हमने देखा जो ही ये ब्रेक हुआ तो डबल टॉप की फॉर्मेशन भी थी मार्केट में तो मार्केट ने एक एक एग्रेसिव डाउन साइड दिखाई और 64,000 के सपोर्ट को जो है टेस्ट करा अच्छा तो जो ही मार्केट ने सपोर्ट को टेस्ट करा तो यहाँ पर जो है वो बाइंग इंटरेस्ट में आता हुआ देखा मार्केट में एक अच्छी बुलेश गल्फिंग कैंडल बनाई मार्केट ने उसके बाद अपनी Uh, फिर उसके बाद अपने जो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर जिसका स्ट्रक्चर था ये जो ट्रेंड था जो कि बेरिश हो गया था उसको जो है वो उसमें जो है वो उसने रिकवरी का फेज जो है वो इस, आ, शुरू करा तो अब यहाँ पे जो क्रूशल रेजिस्टेंस जो इसकी आ रही थी आ, वो आ रही थी सिक्सटी फाइव टू हंड्रेड के लेवल्स के अरिब अगेन क्योंकि प्रीवियसली ये सपोर्ट रह चुकी थी अब ये रेजिस्टेंस बन रही थी तो हमने देखा कि थर्सडे को जो है वो एक अपसाइड आई फ्राइडे को उसने जो है वो रिजेक्शन ली और फिर नीचे क्लोज करा पर मंडे को भी कुछ सेशन जो है वो थोड़े कंसोलिडेशन में गुजारे क्योंकि मंडे को मॉनिटरी पॉलिसी थी लेकिन ट्यूसडे वाले सेशन में फिर इसने एक सरप्राइजिंगली अच्छी अपसाइड दिखाई और इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिखाई तो ट्यूजडे वाली जो क्लोजिंग थी वो काफ़ी बेहतर थी तो वेंसडे को वी वर एक्सपेक्टिंग अ अ अ बेटर 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 एक्टिविटी टू स्टार्ट विथ एक्सपेक्टेशन uh, हमारी ये थी कि जो वेंसडे की शुरुआत होगी वो बेहतर एक्टिविटी के साथ होगी थोड़ी अपसाइड आएगी मार्केट में तो हुआ भी एक्जैक्टली exactly यही कि वेंसडे की शुरुआत जो है वो थोड़े बहुत पॉजिटिव नोट के साथ हुई मार्केट ने जो है वो छियासठ हजार का हाई लगाया लेकिन फिर अल्टीमेटली प्रॉफिट टेकिंग हुई मार्केट ने जो है वो शूटिंग स्टार बना दिया टॉप के ऊपर अगली एंडल अगल तो, जो थी, है सॉर्ट ऑफ तो रेड बनिए तो आई गेस जो एक्सपेक्टेशन थी क्लोजिंग के हिसाब से कि मार्केट थोड़ी सी तेज रहेगी इनिशियली वो रही भी अगर आप वन आर टाइम फ्रेम पे आगे देखें तो एक अच्छी अपसाइड आई भी पहली दो वन आवर कैंडल्स थोड़ी सी बुलश रही लेकिन उसके बाद फिर हमने बेरस एंड कैंडल बनती हुई देखी और प्रॉफिट टेकिंग हो गई एग्रेसिवली वन आवर पे जो है बेरेशन गल्फिंग बनी फोर आवर पे जो है वो सिनारियो ये हुआ कि शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन जो है में बनती हुई नजर आई ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखें ना तो एवर सिंस अच्छा ये बाय द वे सबसे पहले तो अगर मैं आपके साथ व्यू शेयर करूँ ना वन वीक के चार्ट के ऊपर तो मार्केट जो है वो यहाँ पे बुलिश है Uh, नए हाइज और नए हाईज और नए uh, हायर जो है बनाती चली गई है मार्केट ने अपने प्रीवियस लोज को ब्रेक नहीं करा है वो स्टिल इंटैक्ट में तो ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वो बुलिश है वो तेजी घर इवन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेंड है इसका वो भी तेजी कर मसला क्या है फोर uh, आर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो कि प्रॉब्ली कंपेरिटिवली स्मॉलर टाइम फ्रेम है डेली और वीकली के मुकाबले में उसमें मार्केट ऑफलेट थोड़ी सी बेरिश हो गई यहाँ पे प्रॉब्लम हायर हाइज लगा रही थी ये हायर लो लगाया यहाँ पे आ, आ, हायर हाई नहीं लगा पाई लोअर हाई लगा था वगैरह भी आई थी रिवर्सल की इंडिकेशन थी फिर कॉन्फर्मेशन मिली डबल टॉप के ब्रेकडाउन के ऊपर अच्छा ना सिर्फ डबल टॉप के ब्रेकडाउन के ऊपर रिवर्सल हुआ ओवरऑल ट्रेंड का बल्कि एक और चीज ये हुई कि इसका जो ओवरऑल ट्रेंड था तेजी का ये कन्वर्ट हो गया डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट ने जो ही नया लो लगा लिया अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है डाउन ट्रेंड में ये नहीं होता कि मार्केट ऊपर नहीं जाती डाउन ट्रेंड में देखें मार्केट ऊपर जाती है पर अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती

ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ मार्केट ने रिकवर करा भी है तो अपने प्रीवियस को ब्रेक नहीं कर पाई हमने ये देखा कि इवेंचुअली जो ही मार्केट ने आज के दिन अपने सप्लाई जोन को ये प्रीवियस को टेस्ट करा तो वहां से रिजेक्शन मार्केट ने नीचे क्लोज करा अब आने वाले सेशन में क्वेश्चन स्टैंड थोड़ा सा बरकरार रहेगा ओवरऑल ट्रेंड तेजी गई है पर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर छोटे छोटी तेजी अगर हम करने जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंड बरकरार रहेगा वजह यह है कि मार्केट छियासठ पे स्ट्रगल करेगी आज भी करा है प्रीवियसली भी मार्केट ने मल्टीपल सेशंस यहाँ पे गुजारे हैं इसको ब्रेक नहीं कर पाई हाँ अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर व्यू तेजी का हो जाएगा और मार्केट रैली कर सकती है टूवर्ड्स सिक्सटी सेवन वन हंड्रेड के लेवल्स तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको एक बहुत ही मुनासिब व्यू देने की कोशिश करी है लेवल्स uh, भी आपके साथ डिस्कस कर लिए गए देखिए इनकेस करेक्शन वगैरह आती भी है ना तो पैसठ मार्केट का पहला सपोर्ट लेवल होगा ये ब्रेक करेगी मार्केट तो फिर थोड़ा स्ट्रगल करेगी अच्छा इसमें यह है कि वन आर टाइम फ्रेम पर अगर आप शिफ्ट करें स्विच करें तो वन आर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कप एंड कप की जो है वो फॉर्मेशन हो रही है तो इस कप हैंडल की फॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट का जो टारगेट बन रहा है वो बन रहा है लगभग जो है वो छियासठ हजार सात सौ का तो खैर ये तभी पूरा होगा जो मार्केट अपने छियासठ हजार दो सौ के रेजिस्टेंस लेवल को ये सप्लाई जोन को ब्रेक करेगी तो थोड़ी नजरें हमारी जो है वो इस लेवल पे होनी चाहिए इसके नीचे थोड़ा सा रहिएगा ट्रेडिंग अगर आपके हाथ में है या आप नहीं लेते भी हैं तो स्टॉप लॉस लगा काम करिएगा ये हाँ, ये करेगा हाँ, हाँ, जो जो ही ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में आप तेजी की एक्सटेंशन तेजी की जो लेग है हमारी उसकी एक्सटेंशन या उसकी कंटिन्यूएशन जो है वो देख सकते हैं पहला स्टॉक हमारा जो है वो आज की वीडियो में मीजान बैंक है मीजान बैंक को हमने मल्टीपल टाइम्स हाईलाइट करा है अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी और हम जो रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ उसमें भी हमने जो है वो हाईलाइट करा था मिजान बैंक को आई गेस वीडियो में भी हमने शेयर करा था जबकि वन एटी थ्री एटी फोर के लेवल्स के करीब था और इसके टारगेट्स वगैरह हमने दिए थे दो सौ छः दो सौ सात के तो अभी तक तो आई गेस बहुत सक्सेसफुली इसने परफॉर्म करा है इसने हाई लगाया था कल के सेशन में दो सौ चार रुपये चालीस पैसे का समथिंग तो दो सौ छः दो सौ सात का जो टारगेट था हमारा इवेंचुअली जो ए बी सी डी की प्रोजेक्शन निकल रही थी वो तो मीट लगभग हो गया है तो एक अच्छी अभी फिलहाल जो है दो सौ छो सौ सात को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये अपनी रैली को एक्सटेंड करेगा और इवेंचुअली ये अप्रोच करेगा दो सौ पंद्रह दो सौ सोलह के लेवल्स को जहाँ पे ना सिर्फ चैनल का टॉप आ रहा है बल्कि अगर हम इस पर्टिकुलर लेग को कंसिडर करें तो यहाँ पे यहाँ पे इसने जो है वो एक लो लगाया चैनल के लो से जो है सपोर्ट ली रैली दिखाई 38.2% परसेंट रिट्रेस कर अपने हाई से और फिर अपनी लेग को जो है वो कंटिन्यू करा तो अगर हम इसकी प्रोजेक्शंस निकालें तो लगभग हमारे टारगेट से निकल रहे हैं 215 216 के तो यहाँ पे जो है वो करंट लेवल्स के ऊपर इस पे नजर रखनी चाहिए 206 207 इसका जो है वो इनिशियल टारगेट है ये अगर ब्रेक होता है तो फिर इवेंचुअली वी कैन वॉच इट टेस्टिंग चैनल टॉप जो कि 216 करीब आ रहा है

तो इसमें जो हमारा व्यू है वो बुलिश है आ, स्टोरी अगर हम इसमें बिल्ड करें तो बाय द वे व्यू इसमें बुलिश इसलिए बन रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो ओवरऑल ट्रेंड जो इसका मंदी का था वो थोड़ा जो है वो इसने ओवरऑल ट्रेंड जो इसका मंदी का था वो थोड़ा इसने जो है वो चेंज करा है लोअर हाइज की जो फॉर्मेशन हो रही थी इसमें लगातार लगातार वो जो है वो लोअर uh, हाईज की जो फॉर्मेशन लोअर लोस की जो फॉर्मेशन हो रही थी इसमें लगातार वो थोड़ी जो है वो इसने ब्रीच करी थी इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई पोस्ट करा था और नया हाई पोस्ट करने के बाद जो रिट्रेस करा इसने तो ऑलमोस्ट इसने रिट्रेस करने जो करा वो अपने प्रीवियस हाई से सिक्सटी वन पॉइंट एट परसेंट रिट्रेस करा ट्रेन लाइन सपोर्ट ली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ली पर वहां से बाउंस बैक जो है वो शो करा है। तो एक अच्छी जगह इसने बॉटम डिफाइन करके पिकअप लिया है आई गेस अभी भी इन रेट्स के करीब लगता है अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें अभी इसका जो है इसके इसका जो अप्रेंड है उसकी शुरुआत हुई है प्रॉबली यहाँ से ये रैली करके एक नया हाई लगाने की तरफ जा सकता है फिर डिप लेगा अप ट्रेंड में तो यही होता है जनरली कि हायर लो लगाता है उसके बाद एक नया हाई जाके जो है वापस लगाता है तो ओवरऑल ट्रेंड या ओवरऑल रुझान या ओवरऑल व्यूज में जो है वो तेजी का है इवन अगर आप इसको इस केस में देखें तो अगर इसको आप एक लेग कंसिडर करें तेजी की तो यहाँ से हमारा व्यू ये बन रहा है कि इसके जो ओवरऑल टारगेट्स निकल रहे हैं वो फोर्टी सेवन के करीब पे निकल रहे हैं तो फोर्टी सेवन जो है उसमें टारगेट करना चाहिए एवं फोर्टी सेवन पर हमने देखा है कि स्टोरिकली सप्लाई सप्लाई भी आती रही है और उससे पहले ये सपोर्ट के तौर पर एड करता रहा है तो फोर्टी बी अ गुड लेवल टू तो सेल इट गुड लेवल टू तो टारगेट स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर इसमें एक और चीज ये हो रही थी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर यहाँ पे इसमें कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन भी हो रही थी यहां पे कप एंडल की फॉर्मेशन भी हो रही थी उसका ब्रेकआउट हुआ तो इसने जो है वो अपने इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल जो थर्टी टू पे आ रहा था उसको अप्रोच करा और ये शेयर करा गया है सिक्सटी एट परसेंट रिट्रेस करा है अपने से अच्छी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई है अच्छी जगह इसने बॉटम डिफाइन करा है पक्का बॉटम लगाया इसने दूसर, दूसरी बुलेट चीज़ ये हो गई तीसरी बुलिश चीज ये थी कि डेली के ऊपर इसका कप एंड हैंडल बन रहा था तो उस हिसाब से भी ये बुलिश था Uh, तो तमाम चीजें जो है वो बुलिश थी बस एक कंसर्निंग फैक्टर था वो था ये ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो हमने आइडेंटिफाई करी हुई यहाँ पे ये कंसर्निंग फैक्टर है जहां पे जिसको ये मीट कर रहा है ऑलमोस्टी टू पॉइंट टू पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो हिस्टोरिकली इसकी रेलिवेंस काफी ज्यादा रही है यहां पे अगर आप देखें रिलीवेंस हिस्टोरिकली काफी ज्यादा रही है मार्केट्स के करीब जो है वाकई स्ट्रगल करती है यहाँ पे भी इसने स्ट्रगल इसने ब्रीच करा था इसको पर अगली दो कैंडल्स ने इसके नीचे नेशनल बैंक तो आई गेस इट कैन रैली एंड टूवर्ड इट प्रीवियस आइस इनिशियली तो पर ये है कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है अगर इसको ब्रीच नहीं कर पाता तो थोड़ा फंसेगा थोड़ा कंसोलिडेट करेगा फिर ब्रेक करके निकल जाएगा

तो इसको जो है वो तक़रीबन साठ अरब रुपए पे करने हैं अपने एम्प्लॉज को पेंशन की मद में जो कि ड्यू है वो इसको अब जो है कोर्ट ने फैसला कराया विद इन वन मंथ इसको जो है पे ऑफ करने है। अच्छा इसने इसकी प्रोविजनिंग जो है वो खैर काफी टाइम पहले से जो है वो की हुई थी अब इस लाइब्रेटी को देता है तो uh, अर्निंग काफी इसकी इम्प्रेसिव रही है हमने ये देखा है कि इसने इस दौरान डिविडेंड वगैरह अनाउंस बिल्कुल भी नहीं करें तो उस वजह से इसकी शेयर प्राइस थोड़ी सी डिप्रेस रही है वैल्यूएशन काफ़ी चीप है वैलुएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है तो इसमें हमने देखा है कि इस पूरी रैली में नेशनल बैंक में उस तरह की जो है वो रैली नज़र नहीं आई है तो अब uh, इसकी लाइब्रिलिटी वन सेटल ऑफ हो जाती है तो उसके बाद पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि अगले साल फिर ये इसी अर्निंग के ऊपर एक अच्छा डिविडेंड आठ से दस रुपए का भी देता रहे तो उसमें जो है वो शेयर प्राइस की जो प्रोजेक्शन इसकी जो जो प्रोजेक्शंस निकल रही है वो अराउंड फोर्टी सेवन फोर्टी एट की निकल रही है ये जो है वो हमें मीट होती हुई नजर आ सकती है तो फंडामेंटली भी हमारे पास एक स्टोरी है टेक्निकली भी स्टोरी है दिस इज नॉट अ बाई रिकमेंडेशन एट ऑल डू योर ओन वर्किंग अगर आपको बेहतर लगता है अगर आपकी वर्किंग सपोर्ट करती है तो इसमें काम करें

थर्सडे का सेशन और फ्राइडे का सेशन अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता है तो हम इसमें तेजी के रुझान को कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं अगला स्टॉक जो हमारा है वो एस एन जी पी है Swinorth में बाय द वे जो एक्टिविटी हो रही है अगर हम उसकी बात करें तो स्वी नॉर्थ यूज टू ट्रेड इन दिस चैनल हिस्टोरिकली अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें इसको इस चैनल में जो है वो ट्रेड किया करता था नॉर्थ टुवर्ड्स दी वेबसाइट जो है उसकी की ये रेजिस्टेंसी तो हिस्टोरिकली एवर सिंस दो दोज मेड 2022 इट केप्ट ऑन ट्रेडिंग इन दिस चैनल फिर इसने uh, इसको इस पर्टिकुलर चैनल को ब्रीच करा नवंबर uh, 23 में 56 के लेवल्स के ऊपर और फिर जाके एक नया हाई लगाया ऑलमोस्ट 81 का वहां से इसने जो है वो जो रिट्रेसमेंट वगैरह करी अपनी ऑलमोस्ट इसने एवर सिंस इट मेड दिस दीस इसने अपनी uh, अपने इस बुलिश लेग की 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी रिटेस्ट uh, करा यहाँ पे भी हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी शेयर करी थी सिक्सटी के लेवल्स के ऊपर uh, एक अच्छा रनअप दिया अपना करा था यहाँ पे और फिर एक अच्छा रनअप दिया था और, था, और, most, uh, का. तो, और हमने आइडेंटिफाई पहले ही करा था, पिछले, पिछले में भी कर इट शुड के लेवल्स और स्ट्रगल करा भी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे भी एग्जॉशन दिखाई यहाँ पे भी एग्जॉशन दिखाई दिखा, फिर इसमें सेल ऑफ आ गया थोड़ी बहुत करेक्शन आ गई तो अभी ये uh, अगर आप देखें तो एक तो ये चैनल की यहाँ पे रिटेस्ट होगा वापस से उसके साथ साथ एक और सिनारियो है वो ये है कि इसकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आएगी इफ यू कनेक्ट दीज लोज ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी थ्री फॉलोड बाई दैट फेब्री ट्वेंटी फोर और अब जो है वो इसको अप्रोच कर रही है तो इन केस अगर ये पर्टिकुलर जोन जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है एक अच्छा स्ट्रॉग कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट जोन है ये पर्टिकुलर जोन जो है इसके ऊपर सस्टेन करना इसका जो है बहुत जरूरी रहेगा काफी क्रुशल रहेगा अगर सस्टेन करता है तो इट कैन प्रेजेंट अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी मे बी इट विल टेक अ एंड take a good support uh, here, maybe we'll take a dip here, take a good support here and then show a good bounce back. Uh, show a good bounce back where it might resist here initially. If so we'll break then we can see it trailing. but initial target would be this.

ओवरऑल ट्रेंड इसका जो है वो है वो इंटैक्ट तेजी का अगर आप वीकली के के ऊपर ऊपर देखें वीकली अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल तेजी का ट्रेंड इंटैक्ट है डेली के ऊपर जो है वो ये ऑफलेट थोड़ा सा बेरिश हो गया था क्योंकि इसने ये लो लगाया था उसके बाद जो हाई लगाया था वो अगर हायर हाई रायसिडर करते भी तो इसने लगा, low लगा लगाया मल्टीपल टाइम्स और अभी जो है वो यहाँ पर ट्रेड में तो फिलहाल डेली के ऊपर ये थोड़ा सा बेरिश है आर एस आई पे भी थोड़ा सा बेरिश है पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आर एस आई जो है वो यहाँ पे तो खैर ओवरस जोन से पिकअप लिया था आ, अपने बैंड की जो है वो, नीचे वाली रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर बुलिश कॉन्फर्मेशन मिलती है तो यहाँ पे एक ट्रेड वगैरह ली जा सकती है Uh, अगर नहीं समझ में आता बुलिश कॉन्फर्मेशन नहीं मिलती तो ये इवन अवॉइडेड एज वेल uh, पर यहां से अगर ये पिकअप लेता है और इवेंचुअली अगर ये इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करता है तो इसके ऊपर ये बुलिश हो जाएगा आर वगैरह भी हम देखेंगे कि सिक्सटी प्लस आएगा मोमेंटम वगैरह भी अच्छा होगा काफी तो यहां से अगर ये यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल इस जोन को अप्रोच करता है उसको ब्रेक करता है विद गुड वॉल्यूम्स तो सेवेंटी सेवेंटी को ये जू ही ब्रेक करेगा तो इवेंचुअली इट कैन टारगेट टू के लेवल्स जो कि इसके प्रीवियस साइज है तो चार्ट्स पे एस बुरा नहीं लगता है पर कोई बुलिश कॉन्फर्मेशन नहीं आ रही है और वॉल्यूम्स भी थोड़े बहुत कंसर्निंग रहे हैं अभी अभी अगर आप देखें ना तो ऑफ लेट late, जो लेटेस्ट सेशन इसके रहे हैं बहुत मैसिवली डिक्लाइन करें वॉल्यूम्स देर नॉट इवन क्रॉसिंग वन मिलियन तो ये कंसर्निंग फैक्टर है पॉजिटिव चीज ये है कि मल्टीपल रीजन की वजह से एक अच्छा सपोर्ट जो आ रहा है पर कंसर्निंग ये है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं लग रहा है इसमें ये कंसर्निंग है हो सकता है मार्केट में जो थोड़ा प्रेशर है तो ये वेंचुअली लाख ऑफ वॉल्यूम की वजह से घुस जाए और अपना स्टौक, आपका स्टॉक सेट करवा दे तो बहुत ही न्यूट्रली बहुत ही आई गेस रैशनली जो है वो एनालिसिस वगैरह करना पड़ता है कभी भी बायस नहीं हुआ जाता जब भी आपके सामने मैंने यहाँ पे वॉल्यूम्स भी खोल लिया आर वगैरह भी खोल लिया चार्ट्स वगैरह भी हम देख रहे हैं तो लेट्स वॉच इट वॉल्यूम्स का वेट करते हैं कोई बुलिश कॉन्फर्मेशन आती है उसका वेट करते हैं तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी एक छोटा सा स्टॉपलस हम ले लेंगे इनिशियल रेजिस्टेंस इनिशियल मेजर रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड सेवेंटी सेवेंटी इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर इसके ऊपर हम तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर वॉल्यूम्स का होना वहाँ पर ही बहुत जरूरी है तो इन तमाम चीजों को जो है वो देखते हुए अपनी वर्किंग करा करें और अपने अपनी जो जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया करें तो ये व्यू है फिलहाल हमारे एस एन जी पी में एस एन जी पी का व्यू भी हमने आपके साथ काफी डिटेल में शेयर करा अगला तो जो हमारा स्टॉक है uh, वो बाय द वे, वे वीकली के ऊपर बुलिश है वीकली के इसका ट्रेंड बुलिश है पर डेली के ऊपर थोड़ा सा ये बेरिश है Uh, as we identified as you आइडेंटिफाइड मल्टीपल टाइम्स प्रीवियसली एज वेल थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सिनारीो से, यहाँ पे प्रीवियसली ये हुआ था कि 54 हमने आडेंटिफाई करा था एज की ब्रेकआउट लेवल इसके ऊपर ये तेज़ी लगती है इसमें पर हुआ यह था कि 54 पे ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम्स वगैरह भी अगर हम देखें तो वालीम्स वगैरह भी मुनासिब थे सपोर्ट कर रहे थे पर इवेंचुअली थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हो गई और अगले दिन सेल ऑफ आके इसने फेक ब्रेकआउट जो है वो क्रिएट कर दिया तो ये थोड़ा सा जो है वो एक इसने ट्रैप करा था यहाँ पे पर आई गेस स्टिल व्यू ये है 54 के नीचे ये वीक है 54 के ऊपर तेजी इसमें हो सकती है तो हमने ये देखा है कि पिछले जो सेशंस हैं लगातार जो पांच सेशंस हैं फ्राइडे वाला फिर सॉरी थर्सडे फ्राइडे अच्छा अगर आप देखें तो पिछले छह दिनों से जो है वो ये स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे एवर सिंस इट इज ब्रोकन दिस लेवल अगेन और नीचे आई क्लोज कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है फिफ्टी को वापस से ब्रीच करना इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर इसने बुलिश प्राइस एक्शन बुलिश प्राइस परफॉर्मेंस एग्जिबिट करनी है तो फिफ्टी फोर की को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हो सकता है इनिशियली फिर अप्रोच करें पर, यहां पर थोड़ा, थोड़ा लगता है इसमें और अभी फिलहाल व्यू ये, ये थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा जहां पे टूवर्ड्स डाउन साइड फिर ये सपोर्ट लेगा फिफ्टी फिफ्टी वन पे ऊपर की रेजिस्ट करेगा फिफ्टी फोर पे ब्रेकआउट और ब्रेक डिसाइड इट्स फ्यूचर डायरेक्शन वॉल्यूम्स जो इसमें जो रिड्यूस हुए सिग्निफिकेंटली एवर सिंस दिस ब्रेकआउट जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद अगले दिन कम वॉल्यूम्स ऐसे नीचा के जो क्लोज है और पिछले पांच से छह से, सेशन से, से, से जो स्ट्रगल कर रहा है विद वो वॉल्यूम्स ये थोड़ा सा कंसर्निंग है अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट वगैरह लगता है तो फिर इसको जो है वो कंसिडर किया जा सकता है एज अ पोटेंशियल बाई अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली यू हैव टू डू योर एनालिसिस अगेन इट्स नॉट अ कॉल एट ऑल तो अपना एनालिसिस करें इसमें वजह ये चार्ट्स वगैरह शेयर करने की एनालिसिस uh, करने की या वीडियो बनाने की ये नहीं है कि मैं आपको चार स्टॉक्स दे दूँ कल आप जाके वो बाई कर लें वजह यह है कि मैं आपके साथ पहली बात तो ये है कि आपके लिए एक अच्छा लर्निंग कवर है जहाँ पे आप टेक्निकल्स को जो है वो देख रहे हो सीख रहे हो दूसरी वजह यह है कि एक रैशनल व्यू मैं आपके सामने रखूँ कई दफ़ा क्या होता है कि हम बायस्ड हो जाते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है वॉल्यूम्स इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन तो इज सुप्रीम मोस्टली ऑन प्राइस वी एनालाइज एनाल चार्ट तो इसमें एक न्यूट्रल व्यू आपके साथ सामने रखने की कोशिश करूँ ताकि आप ये जो जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रैशनल या वेल इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो इवेंचुअली इवेंचुअली ले सके uh, तो इन्फॉर्मेशन देना और गाइडेंस देते रहना uh, ये जो है वो इस ओवरऑल वीडियो का जो है वो ऑब्जेक्टिव है तो ये सर्ल का व्यू था जो हमने आपके सामने जो है प्रेजेंट करा है. थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें लाइक करें सपोर्ट करें अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो गिव इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं गिव इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो